अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी खबर कुवैत की जो आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। 2 दिन पहले मैंने एक थंबनेल लगाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक फिलिपिनी लड़की का रेप हो गया है, तो वीडियो जो थी वो बाई मिस्टेक जो थे वो सऊदी की अपलोड हो गई थी। यानी कि मैंने वीडियो जो शूट है वो किया, सही एडिटिंग भी किया, सब कुछ किया, लेकिन अपलोड करते वक्त तो बाई मिस्टेक वीडियो जो है वो दूसरी अपलोड हो गई थी। तो उसके लिए मैं आप लोगों से जो है वो क्षमा मांगता हूँ। अब वही जो न्यूज़ थी वो मैं यहाँ पर आपको दोबारा से बता रहा हूँ। पूरी न्यूज़ जो है उसकी जानकारी मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कुवैत पुलिस एक नामालूम शख्स की तलाश कर रही है जिसने एक फिलिपिनी लड़की के साथ जो है वो हरेसमेंट की है, उसके साथ रेप किया है। अपडेट के मुताबिक बताया ये गया है कि ये जो आदमी है ये सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट कर रहा था कि उसके पास जॉब है और अच्छी सैलरी जो है वो दी जाएगी। तो ये फिलिपिनी लड़की जो है उस आदमी से कांटेक्ट करती है, संपर्क करती है और कहती है कि ये इस जॉब की मुझे तलाश है और ये जॉब मुझे जो है वो चाहिए। तो वो आदमी क्या कहता है कि इस पते पर आपको आ जाना है। जब वो लड़की उस पते पर पहुँचती है तो उसको वो लेकर कहीं जाने लगता है। तो लड़की पूछती है कहाँ लेकर मुझे जा रहे हो, तो बताता है कि आपको जॉब दिखाने के लिए ही लेकर जा रहा हूँ। लेकिन वो उसको कहीं अलग जगह लेकर जाता है, कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर उसको मारता पीटता है, उसके साथ फिर वो बलात्कार करता है, रेप करता है उसका, और उसके बाद वहाँ से फरार हो जाता है। और जो फिलिपिनी लड़की है वहाँ से आकर पुलिस स्टेशन में सारा वाक्या जो है वो बताती है पुलिस को। अब पुलिस जो है उस नामालूम बंदे की जो है वो तलाश कर रही है। अब जल्द ही उस बंदे को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत से अब ऐसे लोग जो है वो सफ़र नहीं कर सकते हैं। कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी लगाई गई है। अपडेट के मुताबिक बताया ये गया है कि बहुत सारे लोग जो है वो कुवैत के अंदर लोन वगैरह जो है वो ले लेते हैं और लोन वगैरह जो है वक्त पर अदा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 58,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर जो है वो ट्रेवल बैन लगाया गया है। तो अगर आप लोग भी लोन वगैरह लेते हैं कुवैत के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहें, सावधान रहें कि लोन जो है वो आप वक्त पर उसको अदा करें, क्योंकि कुवैत के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो लोन लेते हैं। जो हमारे प्रवासी भाई हैं वो भी बहुत लोन लेते हैं। तो आप लोग जो है वो लोन को वक्त पर जो है वो अदा करें तो आपके ऊपर ट्रेवल बैन जो है वो लगा दिया जाएगा। तो 58,000 से ज़्यादा लोग कुवैत के अंदर मौजूद हैं जो कि सफ़र नहीं कर सकते हैं, कुवैत से नहीं जा सकते हैं जब तक वो अपना जो ट्रेवल बैन है वो हटा नहीं लेते हैं, जब तक वो कुवैत से सफ़र नहीं करते। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में आज का जो एक्सचेंज रेट है क्या चल रहा है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो अगर आपको बात करें इंडिया का, अगर आपको इंडिया का बताएं तो इंडिया का 1 KD जाकर बन रहा है 264 रुपये 20 पैसे, और पाकिस्तान का जाकर बन रहा है 888 रुपये 90 पैसे, और बांग्लादेश का जाकर बन रहा है 355 रुपये 36 पैसे। जबकि अगर हम बात करें नेपाल का, तो नेपाल का जाकर बन रहा है 421 रुपये 41 पैसे। तो अभी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, खुदा।